हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मौसम बारिश का हो रखा है और टाटा पंच को लेकर मैं निकला हूँ रोड पे। आप देख रहे हैं सामने गीला रखा, अभी जस्ट बारिश हुई थी तो आप देख रहे हैं ऐसे ही बारिश हो रखी है, पानी भर गया हर जगह पे। तो जब भी ऐसे बारिश होती है तो गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमें ये डर रहता है कहीं के गड्ढा ना हो, कहीं पे सीवर खुला ना रहे। तो ऐसे में ही हम फंस गए थे एक जगह पे, बहुत ज़्यादा पानी था। जहाँ पे आप देख रहे हैं सामने भी कितना पानी भरा हुआ है। तो सामने एक मेन होल था, पता नहीं वो खुला था या नहीं था, तो हमने बैक करके वापस निकाली। तो ऐसे में गाड़ी कोई छोटी गाड़ी होती है या फिर ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन पंच की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़े बहुत गड्ढे तो होते ही हैं लेकिन काफ़ी स्मूथली हमने बैक किया गाड़ी और निकाल लिया। आप देख रहे हैं कि गाड़ी अभी भी कितना पानी भरा हुआ है लेकिन गाड़ी फिर भी ऊपर है। तो ऐसे में पंच बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है और आपको डर नहीं रहता कि छोटे मोटे गड्ढे का। हाँ, लेकिन सीवरेज के लिए आपको बच के रहना पड़ता है, इसलिए हमने गाड़ी वापस ली और हम इधर वापस से दूसरे से जा रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने छोटी सी बनाई है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आप भी बताइए आपके पास कौन सी गाड़ी है और उसकी क्या ग्राउंड क्लियरेंस है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं सूखा रास्ता है, ऐसे हाईवे वगैरह पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन हाईवे पे भी बारिश की वजह से काफ़ी गड्ढे हो जाते हैं तो वहाँ पे भी गाड़ी का एकदम से दिक्कत आती है। लेकिन पंच में काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है तो बहुत बढ़िया रहता है, किसी भी टाइम आप चलाओ, दिन में चलाओ या रात में चलाओ गाड़ी को तो सही रहता है। और बारिश के टाइम पे तो गाड़ी में आपका रिस्क ही रहता है क्योंकि पानी भर जाता है तो वहाँ पे आपको पता। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।